जब दुश्मन पर कहर बनकर टूटे तो उनका बचना नामुमकिन होता है। इनकी बहादुरी के किस्से दुनिया सुनती सुनाती आई है। सैनिकों की एक ऐसी रेजिमेंट जिनके दम पर अंग्रेजों ने हिटलर से टक्कर ली। जितने बहादुर उतने ही ईमानदार और उससे कहीं ज्यादा वफादार। अपनी मिट्टी के लिए पलक झपकते जान कुर्बान करने को तैयार। हाथ में खुकरी हो तो ये मौत को भी सबक सिखाने का हौसला रखते हैं। खुकरी इनकी शान है, जान है, पहचान है। तभी तो हर बड़ी मुश्किल में अगर कोई याद आता है तो एक ही नाम, गोरखा राइफल्स। सुबह के 4 बज चुके हैं। कई ऐसे हैं ना तो जिनकी नींद पूरी हुई है और कई ऐसे हैं ना तो थकान मिटी है, लेकिन इन जवानों के लिए एक नए चुनौती भरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। उन जवानों के लिए कि जो लड़ाई के मैदान में पीठ दिखाने से बेहतर अपनी जान दे देना समझते हैं। आ जाओ बेटा, गोरखा रेजिमेंटल सेंटर शिलांग। जवानों के लिए दिन की शुरुआत अल सुबह हो जाती है। पहला काम बिस्तर समेटना और फिर गर्म चाय की चुस्कियां। इसके बाद बारी आती है साफ सफाई की। इसमें फूलों की क्यारियों को संवारना भी शामिल है। तभी सीटी बजती है और सारे जवान हाजिर हो जाते हैं। यहां हवलदार विजय राणा की कड़ी चेकिंग चल रही है कि कहीं किसी के नाखून या फिर शेव तो नहीं बढ़ी है। बड़ा करने से क्या है कि जल्दी क्या है, रघुट क्या बड़ा होने से फिर बीमारियां फैलने का डर होता है। छोटे करने से क्या है, ये बिल्कुल सेफ भी रहेंगे और बीमारी भी कम होगी। और दाढ़ी तो डिसिप्लिन में शामिल है। दाढ़ी तो कोई फौज में कोई रख नहीं सकता। दाढ़ी के लिए क्या पनिशमेंट भी है, इसलिए हम लोग जो डेली इनको तो आप लोग पनिशमेंट भी करते हैं जी। प्रॉपर्टी बायो चल। इतने में पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग का वक्त हो चला, जिसकी शुरुआत होती है 30 मिनट तक चलने वाली दौड़ से। जवान तकरीबन हर तरह की एक्सरसाइज करते हैं ताकि जिस्म का हर एक पुर्जा फिट रहे। ये सब देखकर मैं खुद को भी नहीं रोक सका, लेकिन बहुत जल्द ही अपनी हद पता चल गई। लगा दम निकल जाएगा। ये लगता है कि हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। जो पीटी भी जो कराते हैं बिल्कुल अलग कराते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है ये। जब एक रिक्रूट भर्ती होकर आ जाता है उसका फिजिकल स्टैंडर्ड और मेंटल स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन हम इधर उनका बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के द्वारा अच्छा ट्रेनिंग देके उसका स्टैमिना और उसका एंड्योरेंस बढ़ाता है ताकि वो फौज का एक अच्छा जवान बन सकता है। इतनी मशक्कत के बाद तो पेट में चूहों की घुड़दौड़ होने लगती है। ऊपर से ऐसे नाश्ते की खुशबू से किसका जी नहीं ललचाएगा। इतनी
डिफिकल्ट फिजिकल ट्रेनिंग के बाद जवानों को तो भूख लगना ही था, मुझे भी भूख लग गया। हालांकि मैंने बहुत कुछ नहीं किया, देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट में क्या है ये। अच्छा पराठा है यहाँ पर और अंडे की भुंजिया भी है और साथ में अचार भी है। अच्छा ये कह सकते हैं कि ब्रेकफास्ट है ये, और देखते हैं खाते हुए कैसे लग रहा है क्या लग रहा है। घर में जो हमें ब्रेकफास्ट मिलता था तो ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता था, क्योंकि घर की जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। मगर जो जब हम मैं फौज में भर्ती हुआ तो उसके बाद जो यहाँ का जो भी मुझे ब्रेकफास्ट जो लंच डिनर मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ होने का मतलब चुनौतियों से दो चार होना है। ये बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, यानी BPT। हर 3 महीने के भीतर सारे जवानों को ऐसे 5 टेस्ट पास करने होते हैं। इसमें 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है, वो भी हथियारों से लैस होकर और 8 किलो का वजन लेकर, क्योंकि जंग के मैदान में भी जवानों के पास तकरीबन इतने ही साजो सामान होते हैं। इस दौरान वर्टिकल रोप भी चढ़ना होता है और हॉरिजॉन्टल रोप के सहारे पार उतरना होता है। सबक की कोई सीमा नहीं होती।